तो यार मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी 2016 में। एक रूम, कुछ किताबें, गिने चुने दोस्त, जिन सबका एम था कि यार आईआईटी जाना है। अब सिलेक्शन तो हो गया था आईआईटी में, बट थोड़ा डर भी लग रहा था कि मम्मी पापा के बिना कभी अकेला तो नहीं रहा हूँ, कैसे मैनेज करूंगा। पर पता है ये कॉलेज के 4 साल कैसे निकल गए बिल्कुल पता नहीं चला। क्या चल रहा है भाई? इतने दोस्त बनाए जितने शायद लाइफ में नहीं बनाए थे, और ये दोस्त मेरे साथ लाइफ टाइम रहेंगे। इतनी चीजें सीखी हैं कॉलेज में जो शायद मैं कौन हूँ डिस्क्राइब करती हैं। एंड आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय 4 years एट आईआईटी इन ऑलमोस्ट 4 मिनट्स। लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट ईयर एट कॉलेज। यार तो फर्स्ट ईयर में सोच के तो नहीं आए थे कि क्या करना है, ना ही हम किसी को जानते थे, नए दोस्त बनाए, और फिर हम कुछ भी करते थे जो मन में आता था। रैंडम बकचोदी करते थे हॉस्टल में, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, बाहर रात में कैंपस में घूम रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं। रुड़की की लोकेशन इतनी अच्छी है कि ट्रिप्स पे जाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऋषिकेश पास में, मसूरी पास में, देहरादून पास में, दोस्तों के साथ तो वैसे भी कोई जगह दूर तो लगती नहीं है। कैंपस में भी यार पर चीज़ों की कमी नहीं थी। कैंपस में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते थे, या तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे या हम वो इवेंट कराते थे। अब कोई इवेंट करा लिया तो उसके बाद हम पार्टी करते थे, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया उसके बाद भी हम पार्टी करते थे, और इसी सब प्रोसेस के बीच मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। और पता है कैंपस में लोग इतनी सारी चीज़ें करते हैं ना कि उसको देख के आपको भी मन करता है यार आप भी कुछ सीख लो। इसी बीच मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट किया, मैंने कुछ आसपास के लोगों को देखा, कैमरा देखा, उनका यूज़ करना शुरू किया, एंड वहाँ से मेरी फोटोग्राफी जर्नी की स्टार्ट हुई। एंड इस सब के बीच सबसे कम जो टाइम मिला वो था एकेडमिक्स को, स्टडीज़ को। क्लास बहुत ज़्यादा तो नहीं जाता था, बट ठीक है थोड़ा बहुत चला जाता था। एंड एक चीज़ और क्लियर हो गई थी कि यार बायोटेक जो मेरा डिपार्टमेंट है कि यार बायोटेक तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। और बस ये सब करते करते मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया और मैं आ गया सेकंड ईयर में। अब सेकंड ईयर में आने से पहले मुझे ये क्लियर हो गया था कि यार मुझे फोटोग्राफी तो अच्छे से सीखनी है, एंड इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और मैंने खुद का एक कैमरा ले लिया बिफोर मैं सेकंड ईयर में आया। अब मैंने बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करना शुरू किया फोटोग्राफी में, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी, एंड काफ़ी बढ़िया टाइम था। पर इस सब के बीच मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार बकचोदी तो बहुत कर ली है, बट कुछ एक्चुअली सीखना भी चाहिए जिससे इंटर्न या जॉब लग सके। स्कूल से यही एम था कि आईआईटी जाना है और अच्छी जॉब चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ तो काम करना ही था। अब बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, जिसमें से मुझे लगा कि यार डिज़ाइन शायद मेरे को फिट बैठता है, कि मैं फोटोशॉप वगैरह भी सीख लूंगा जो मेरे को फोटोग्राफी में काम आएगा, और मैंने सीखना शुरू किया बेसिकली। अब मेरी इंटर्न लग गई एक गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप में, 1MG नाम से, शायद सुना होगा आप लोगों ने। इंटर्न तो मेरी डिज़ाइन रोल में थी, बट मैंने दिल्ली में रह के बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी भी करी। एंड यही वो टाइम था जब मेरे को अपना फर्स्ट पेड फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट मिला था। एंड यही सब किया मैंने अपने सेकंड ईयर में, और मैंने रियलाइज़ किया है कि यार कॉलेज में रह के नई चीज़ें सीखना काफ़ी आसान है। और इंटर्न के साथ ही मेरा सेकंड ईयर कॉलेज का भी ख़त्म हो गया और मैं आ गया थर्ड ईयर में। बट थर्ड ईयर में आके मेरे को ये लगा कि यार मैं एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हूँ, बट मुझे बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। बायोटेक और डेटा साइंस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था, तो मेरे को लगा यार कि ठीक है थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग AI क्या होता है पता तो होना ही चाहिए। मैंने वो पढ़ना शुरू किया, मैंने 2 इंटर्न करे अपने थर्ड ईयर में, मैं हैदराबाद गया और मैं वापस दिल्ली भी गया इंटर्न के लिए। इंटर्न एक बहुत अच्छा तरीका है ट्रैवल करने का, प्लस यू गेट पेड टू, तो आप उस नए सिटी में स्पेंड भी कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने अपने थर्ड ईयर में फोटोग्राफी भी कंटिन्यू रखी, मैंने पोर्ट्रेट्स खींचना स्टार्ट किया, और मैं पहली बार लोगों को एक्चुअली डायरेक्ट कर पा रहा था कि यार उनको फोटो में कैसे पोज करना है। अब मैंने अपने थर्ड ईयर, अपने प्री फाइनल ईयर की इंटर्न भी कर ली, और इसके साथ हमारा थर्ड ईयर खत्म हो गया। अब मैं आया अपने फोर्थ और फाइनल ईयर में। फोर्थ ईयर वो टाइम है जब एक्चुअली प्लेसमेंट्स लगते हैं, और हम लोग 10th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं कि यार IIT जाएंगे 1 करोड़ की जॉब लगेगी, और इस वजह से इतना फियर और स्ट्रेस डेवलप हो जाता है ना कि कभी कभी शायद ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करी है, बट फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा बहुत एंग्जाइटी होने लगा था। मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ था इस वजह से थोड़े टाइम के लिए, एंड डॉक्टर का ओनली डायग्नोसिस वॉज कि यार आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। शायद वो ट्रू था, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट लगा और उसके बाद कोई भी सिम्टम नहीं बचा था। मेरी रेजर पे मैं जॉब लग गई एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, जहां मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, एंड इट वॉज सॉर्ट ऑफ माई ड्रीम रोल एज वेल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ कॉलेज का। मुश्किल से 1 महीना हुआ था कॉलेज आए हुए, हमारे मिड सेम हुए और हम लोग घर गए होली के लिए। अब जो हम घर गए उसके बाद तो हम कभी कॉलेज आए नहीं, हमारा कोई फेयरवेल नहीं हुआ, हमारा कोई प्रॉम नहीं हुआ, हमारा कोई कॉन्वोकेशन नहीं हुआ, हमारे फाइनल एग्जाम्स तक नहीं हुए। हम लोगों को घर बैठे डिग्री मिल गई और हम ऐसे ही ग्रेजुएट हो गए। एक बार सितंबर में गए थे कॉलेज सामान लेने के लिए, एंड दैट वॉज द लास्ट टाइम हम लोग कॉलेज गए थे। दोस्तों को हम गुड बाय भी नहीं बोल पाए, एंड अभी तक ऐसा फील ही नहीं आ रहा है कि मुझे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए 1 साल हो गए। आई थिंक क्लोजर अभी भी मिलना बाकी है, बट यही थे मेरे कॉलेज के 4 साल।